बैंक वाले ने बोले थे आप 5 से 10 लाख रुपए का लोन करा सकते हो, तो हमको 4 लाख की चाहिए था, तो हमने इसमें करा था। अच्छा मुकेश जी, क्या आपको लगता था कितनी आसानी से आपको बैंक से लोन मिल जाएगा और आप पैर पे खड़े हो जाएंगे और आप इस प्रकार से काम आगे बढ़ाएंगे, ऐसा कभी विचार आया था? नहीं सर, एक्चुअली हमने यहाँ से 6-7 साल पहले ट्राई किया था, हमको नहीं मिला था उस टाइम। अभी आपका जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ मिलने के बहुत अच्छा फायदा हुआ हमको, तो हमने सोचा था 2-3 बार तो हमको लोन नहीं मिला था, फिर आपका जो प्रधानमंत्री योजना से ऑटोमेटिकली बैंक वाले सोशल मीडिया में हमको पता लगा कि आप छोटे मोटे बिजनेस वाले को लोन दे रहे हैं, तो हमको लोन मिला था, आज हम अच्छा बिजनेस कर पाए हैं। अच्छा, आप अपना कारोबार यूपीआई से करते हैं कि कैश से लेते हैं? नहीं सर, हमारे यहाँ पे विलेज में तो 50-50 है सर, तो यूपीआई में हो रहा है तो कैश में भी हो रहा है। नहीं तो आप धीरे धीरे करके 100% यूपीआई पे जा सकते हैं? हाँ सर, पक्का जा सकते सर, क्योंकि अब तो गांव के लोग भी यूपीआई उपयोग करते हैं। वैसे 50-60% अभी यूपीआई चल रहा है सर, 30-40% जो बुजुर्ग लोग है उनको मोबाइल चलाना नहीं आता है, जो विलेज में तो बुजुर्ग लोग ही हमारे कस्टमर ज्यादा है, तो उन्होंने कैश एंड कैरी नहीं कर रहे हैं अभी तक। वो जो फायदा ये है कि बैंक के भविष्य में बड़ा लोन लेना है तो और इन सेवाओं का लाभ ये लिया है, ये आपकी सोच के कारण संभव हो पाया। जहाँ पर आयुष्मान भारत के कार्ड बनने होंगे, या जो आपने कहा है कि विकसित भारत 2047 तक बनाएंगे, तो आज देश के लोग माई भारत प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ रहे हैं। जो माई है उसको बढ़ाने का काम उसके माध्यम से किया जा रहा है, और आपने जो संकल्प दिलाया है वो संकल्प सब लोग ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। आपने पिछले 2 वर्षों में भारत को 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से, मैं गुजारिश करूंगा मंच पर कि माननीय मुख्य अतिथि जी चौधरी कंवरपाल जी, हमारे SDM जसपाल गिल जी, BDPO योगेश जी, हमारे गांव की सरपंच मुकेश कुमारी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष कल्याण सिंह जी और उपस्थित सभी गांव के भाई और बहनों, मेरे साथ चल रहे सभी अधिकारीगण, वह प्यारे बच्चों, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी को संबोधित करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ी सी बात अपनी रख लूं। आज का ये प्रोग्राम जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, नाम मेरा गुरमीत जो हरियाणा के रहने वाले हैं, जिला यमुना नगर गोंग सलीम पर काम कर रहे हैं, अरे हम घर बैठे मेरे बंदी फैमिली के द्वारा सरकार आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं बलवंत भूड़कमा के रहने वाला हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट यमुना नगर हरियाणा। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, हमारी पेंशन फैमिली आईडी के तहत घर बैठे बन गई, दफ्तर में हमें कोई चक्कर लाने की जरूरत नहीं पड़ी। बोलो जी, मेरा नाम साहब सिंह जी, सलेमपुर बंगर हरियाणा जिला यमुना नगर। मेरी पेंशन जो है बिना दफ्तरों के चक्कर काटने से सरकार ने फैमिली आईडी के थ्रू लगा दिया है जी, इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। मैं एक राम जी, गाँव भूडकला जिला यमुना नगर हरियाणा रहने वाला, और मेरे को 80,000 रुपये मकान की मरम्मत के लिए मिले हैं। इसके लिए कहीं दफ्तरों में धक्के नहीं खाए और मेरे को 80,000 रुपये मरम्मत के लिए मिले हैं। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ जी। मैं रामलाल पूर्णचंद, गाँव भूड़कला जिला यमुना नगर का रहने वाला हूँ। मेरी पिल्सन फैमिली आईडी द्वारा घर बैठे मिल गई, मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। यमुना नगर जिला बिना दफ्तर होते हैं, मेरे लिए बुरी पिल्सन लगी। जी मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ जी। मैं अमर सिंह,
बहादुरपुर के रहने वाला हूँ, जिला यमुनानगर हरियाणा से। मेरी पेंशन बिना दफ्तरों के चक्कर काटूं मोदी सरकार की तरफ से पेंशन बंद की, मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं, मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। जो पीछे साथी खड़े हैं, बंधु खड़े हैं, आप सबसे निवेदन की यहां पर आ जाएं। विकसित भारत, ये दो अलग अलग बातें हैं। हमारा संकल्प अगली बात है विकसित भारत, जो 15 नवंबर से झारखंड के गांव खूंटी से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसको 15 नवंबर को हरी झंडी देकर रवाना किया था और जिसका समापन 26 जनवरी 2024 को होना है, तो आज आप जटेड़ी में पहुंची है। ग्राम पंचायत जटेड़ी के पूरी ग्राम पंचायत की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। एक छोटी सी, एक हमारी हरियाणा की प्यारी लाडली बेटियां, उच्च विषय पर जटेड़ी इस स्कूल की बच्चियां, हरियाणा की लाडली बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक इस विषय पर बड़ा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी ये बहुत जोर दे रहे हैं। मेरा नाम पवन कौर है, मैं गांव जटेड़ी जिला यमुनानगर हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा आयुष्मान कार्ड कहीं चक्कर काटे भी नहीं, यहाँ पर बन गया है, मैं सरकार की बहुत आभारी। मेरा नाम श्वेता है, मैं हरियाणा कोट बसावा सिंह की रहने वाली हूँ। मेरा आयुष्मान कार्ड पहचान पत्र के माध्यम से बना है, इसमें मैं इलाज 5 लाख मुफ्त करा सकती हूँ। मेरा आयुष्मान कार्ड घर बैठे ही बन गया है, इसके लिए मैं मोदी सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए, विश्वगुरु भारत था और जिस प्रकार से आज उत्साह है पूरे देश में, तो निश्चित तौर से आने वाले टाइम में भारत जो है आर्थिक मामले में भी नंबर वन होगा और विश्व गुरु भी बनेगा। और हमारे पास जो हमारे महापुरुषों ने जो विचार दिया, वो विचार दुनिया के लिए कल्याणकारी विचार है और धीरे धीरे दुनिया की समझ में आएगा कि जो भारत का विचार है वही दुनिया के लिए उपयुक्त विचार है। देखिए, 25 जनवरी तक यात्रा है, हम हर गांव में जाएंगे, मतलब हर पंचायत में जाएंगे। पूरे देश में यात्रा चल रही और हर पंचायत में जो सरकारी अधिकारी हैं वो चलते हैं, साथ में और लोग भी साथ हैं उसके, और जो भी लोगों की समस्या होती है हमारा प्रयास रहता है उसको समय पर उसके साथ तुरंत उसको हल किया जाए। इतनी संख्या में आपने देखा, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, तो निश्चित तौर से उनको उम्मीद है। और हालांकि बहुत बड़ा काम तो पहले ही लिया, जैसे BPL बढ़ने थे, मैंने अभी आपके सामने दिखाए हैं कि 10-15% BPL पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। आयुष्मान लगभग 2.5 गुना पहले इसके मुकाबले में ज़्यादा बढ़ गई थी। पेंशन जो है वो अपने आप लगनी शुरू होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन रही। अभी आपने बच्चों को देखा होगा, यहाँ वोकेशनल एजुकेशन में उनको हमने किट दी और वो किट आपके सामने उन्होंने रख रखी, और आपने अगर उनसे बात की होगी तो बच्चों ने बताया भी होगा हम अपने आप भी पैसे कमा लेते हैं। कोई ना कोई काम, जैसे उत्सव होता है, कोई त्यौहार होता है, तो उस पर कुछ ना कुछ काम करके पैसे कमा लेते हैं। मतलब कोई ज़रूरत नहीं है कि पैसे बहुत कई हज़ारों लाखों में कमाएंगे, वो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बच्चा जब काम करता है ना, चाहे वो 2000 रुपये का काम करके 2000 रुपये कमा के लेता है, तो बात 2000 की नहीं है, बात कॉन्फिडेंस की है, तो उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तो निश्चित तौर से आने वाले टाइम में वो अच्छा करके दिखा सकता है। तो ये सारे काम जो है प्रैक्टिकल यहाँ दिखाई भी दे रहे हैं और लोगों का भी विश्वास होता है और इसमें काम हो रहे हैं। जिला मेरा यमुनानगर, मेरा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आयुष्मान कार्ड फ्री बन गया है जी। इसलिए मैंने दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़े, अब मुझे मेरा आयुष्मान कार्ड मिल गया है। मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं नेत्रपाल गाँव वासी खत्री, मैं इस सरकार से बड़ा संतुष्ट हूँ। इस सरकार की वैकेंसी में, लाइनमैन की वैकेंसी में बिना खर्ची पर्ची के मेरी सिलेक्शन हुई। मैं लगभग 20 साल से फॉर्म भर रहा था, पहले भी मेरे पेपर क्लियर हुए हैं, लेकिन कहीं इंटरव्यू में कहीं किसी चीज़ में अड़ जाते थे, सिफारिश नहीं होती थी। लेकिन इस सरकार ने आने के पेपर में जिसके अच्छे नंबर है उनको सिलेक्ट किया, इसमें किसी की पर्ची खर्ची की जरूरत नहीं पड़ी और किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी। पहली सरकारों में हम मंत्री MLO पर जाते थे, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स या कोई सिफारिश नहीं लगी।
लेकिन इस सरकार से मैं इतना संतुष्ट हूँ कि 20 साल से मैं फार्म भरते भरते थक चुका था, घर वाले भी परेशान हो गए थे कि फार्म भरता कब तक रहेगा, लेकिन मैं आखिरी दमों तक दम नहीं तोड़ा और आखिरी दम तक फार्म भरता रहा और इस स्टेज पे आने के मेरे बिना पर्ची खर्ची बिना सिफारिश के सिलेक्शन होगी 2022 में लाइनमैन के पद पर। इसके लिए मैं श्री मनोहर लाल खट्टर सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और बहुत बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, काबिल लोगों को आगे बढ़ने की पूरी पूरी दी जा रही है। मैं इलमतर शर्मा जी ब्रह्मण माजरा गाँव से हूँ। मैं किसी मतलब फैमिली अड्डे के घर पे मेरी पेंशन लगी जी और मैं किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ी जी और मैं सरकार का मोदी सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ब्राह्मण माजरा खदरी जिला यमुनानगर से रहने वाला हूँ जी और बिना किसी दफ्तर में चक्कर काटे मेरी पेंशन लगी जी, मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा नाम सुनीता गुप्ता है, मैं खदरी गांव की रहने वाली हूँ। मेरा राशन कार्ड कट गया था परिवार पहचान पत्र की मदद से, अब मेरा राशन कार्ड दोबारा बन गया है, मैं सरकार की बहुत आभारी हूँ जी। मेरा नाम सुनीता गुप्ता है, मैं खदरी गांव की रहने वाली हूँ, जिला यमुनानगर है। मेरा राशन कार्ड कट गया था परिवार पहचान पत्र की मदद से, मेरा राशन कार्ड दोबारा बन गया है, इसके लिए मैं सरकार की बहुत आभारी हूँ। मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मैं खदरी का रहने वाला हूँ, जिला मेरा यमुनानगर है और मेरी ऑनलाइन पेंशन बन गई, मुझे उसके लिए कोई दफ्तर में चक्कर नहीं काटना। मैं इस सरकार से बहुत खुश हूँ।